हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अप टू द रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के फेलियर्स हमने देखे थे, रेजिस्टिविटी के बारे में हमने डिटेल में बात की थी, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेजिस्टिविटी को, ये भी हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे विद कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कंडक्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस समझ आ गया है तो कंडक्टेंस बहुत सिंपल टर्म है। रेजिस्टेंस था करंट को बहने से रोकना, दैट इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। इसके अपोजिट कंडक्शन इज़, कंडक्शन क्या है, करंट को बहने देना। द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू लेट द करंट फ्लो इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। सो व्हाट इज़ कंडक्टेंस? Conductance is the reciprocal of resistance. Resistance का उल्टा, उसे हम बोल देते हैं conductance. That is, resistance था current को बहने से रोकना and conductance is current को बहने देना. That is called conductance. It is denoted by कैपिटल जी। सो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, दिस कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सो इट्स यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, 1/ohm, दैट इट विल बिकम ओम इनवर्स। और साइन में हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से, और महो भी इसे बोलते हैं, ओम इनवर्स बोलें या MHO, महो। और एक और यूनिट होती है इसकी, दैट इज सीमन। सो दीज थ्री नेम्स यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज व्हाट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो इट इज द reciprocal of resistivity. resistivity की जो reciprocal term है that is called conductivity, और conductivity को हम denote करते हैं with sigma, denoted by sigma. जैसे resistivity किसी material की property थी, वैसे ही कंडक्टिविटी भी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड सिग्मा इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं विद रो। सो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट्स, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, तो रेजिस्टिविटी के लिए हमने कल फॉर्मूला लिखा था R इक्वल टू रो एल बाई ए। दिस रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर इज ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, दैट इज ओम मीटर। इट विल बिकम ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। सो इट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी एंड दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड कनेक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी, कनेक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ लेट अस मूव टू द अनदर टर्म, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। प्लीज इसे जल्दी से नोट डाउन करें। मूविंग फॉरवर्ड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। सो स्पेस है तो इसे थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी।
मान लेते हैं हमारे पास कोई सर्किट है, इस सर्किट में एक रजिस्टर लगा है, ये जो साइन है दिस इज ऑफ रजिस्टर, दिस साइन इज ऑफ रजिस्टर, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस साइन। सॉरी, लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर इज वी एंड लेट दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी और अ सोर्स ऑफ EMF एंड लेट करंट I फ्लोज थ्रू दिस सर्किट। सो वट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग करंट I इन द सर्किट। इस बैटरी को या इस सोर्स ऑफ EMF को इस सर्किट में I करंट फ्लो करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, कितनी एनर्जी इस सोर्स ऑफ EMF को सप्लाई करनी पड़ी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी इट इज द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग अ करंट इन द सर्किट। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? बहुत सिंपल टर्म, किसी भी सर्किट में इस सोर्स ऑफ EMF को या जो बैटरी हमने यहाँ पे लगाई है इसको इस सर्किट में कोई करंट फ्लो करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, कितनी एनर्जी इस सोर्स ऑफ EMF को सप्लाई करनी पड़ी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इफ वी हैव अ रेजिस्टेंस R अक्रॉस विच पोटेंशियल V इज अप्लाइड एंड करंट I फ्लोज थ्रू द सर्किट, वी नो V इज इक्वल टू I R एंड लेट Q अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोज थ्रू सर्किट फॉर टाइम T। मान लेते हैं किसी टाइम T में कितने नंबर ऑफ चार्जेस इस सर्किट से क्रॉस हुए होंगे, दैट इज Q। सो वी नो द फॉर्मूला, दैट इज I इज इक्वल टू Q बाय T। सो फ्रॉम हेयर दिस Q इज इक्वल टू I इंटू T, Q इज इक्वल टू I इंटू T। प्लीज नोट डाउन करें ये सारी चीज़ें। सो नेक्स्ट वी नो दिस, ये फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q एंड फ्रॉम हेयर दिस पार्ट इज नॉट विजिबल, आई एम इरेजिंग द अबव पार्ट सो दैट यू कैन सी फ्रॉम हेयर। कितना वर्क डन करना इस सोर्स ऑफ EMF को करना पड़ा हम कैसे निकालते हैं? वी नो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, फ्रॉम हेयर W इज इक्वल टू V इंटू Q, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, वट इज द वैल्यू ऑफ V, दैट इज I इंटू R, वट इज द वैल्यू ऑफ Q, दैट इज I इंटू T। सो वर्क डन बिकम्स I स्क्वायर R T। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द सर्किट। इस वैल्यू को नोट डाउन करें, इसके बेस पे कोई छोटा सा आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू द इलेक्ट्रिक पावर, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर।
व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? वी ऑल नो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी, सो फ्रॉम हेयर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी, टी से टी कैंसल, इट विल बिकम आई स्क्वायर इंटू आर. सो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन होल्ड ऑन इन मेंटेनिंग इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग करंट इन द सर्किट इन एनी टाइम. किसी टाइम में कोई रेट, जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी सर्किट में सप्लाई की गई होगी, दैट रेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर. सो दिस इज द फॉर्मूला पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हैं जिनको आप लिख सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज वी ऑल नो दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, सो पी विल बिकम डब्ल्यू की जगह वी इंटू क्यू अपॉन टी. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? वैल्यू ऑफ क्यू इज वी इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसल, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई. तो एक फार्मूला ये भी बनता है, एक फार्मूला ये भी है आप लोगों के पास. दो फार्मूलाज हमने यहाँ पे पावर के देख लिए. अगर यहाँ से मैं यूनिट लिखना चाहूँ, वी ऑल नो द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. सो वन वॉट विल बी इक्वल टू, इफ वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट एंड वन एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, देन द वैल्यू इज कॉल्ड वन वॉट. सो हाउ कैन यू डिफाइन द वन वॉट? वन वॉट इज दैट पावर व्हेन वन एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट. सो इस तरह से आप वन वॉट को डिफाइन कर सकते हो. इसकी बिगर यूनिट क्या होगी? वन वॉट के बाद अगर हम कोई बड़ी पावर हमारे पास आती है, उसकी यूनिट हम लिखना चाहें, तो इससे बड़ी यूनिट है, दैट इज किलोवाट. वन किलोवाट इज इक्वल टू 10^3 वॉट. ये भी आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में चीज़ें यूज़ होती हैं, प्लीज़ नोट डाउन करें. दीज आर ऑल द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. थोड़ा सा इलेक्ट्रिक एनर्जी में एक चीज़ ऐड ऑन कीजिएगा, वो मैं आपको बताना भूल गया. उस चीज़ को आप इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में. एंड दैट थिंग इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी? वी ऑल नो द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, बट प्रैक्टिकल यूनिट्स दैट वी यूज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, दैट इज वन वाट आर, एंड इट इज इक्वल टू वन वाट इंटू वन आर. सो हाउ कैन यू डिफाइन वाट आर? वन आर, वन वाट आर इज दैट एनर्जी व्हेन
पावर ऑफ 1 वॉट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। इससे भी बड़ी यूनिट हमारे पास एक और क्या है, दैट इज किलोवाट आर KWH। आपने अक्सर देखा होगा जो घरों में हमारे मीटर होते हैं वो रीडिंग भी हमारे पास आती है KWH में। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो रीडिंग्स हमारे पास घरों में मीटर लगा होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेज़र करने के लिए, रीडिंग्स लेने के लिए, जो रीडिंग वो हमारे घर में जो बिजली वाला आता है बिल काटने के लिए, वो जो रीडिंग चेक करता है वो रीडिंग हमेशा हमें KWH में दिखेगी। अब डिजिटल मीटर्स हैं, आप कभी भी घरों में इस चीज़ को खुद चेक कर सकते हैं। तो रीडिंग मिलती है हमें KWH में। KWH किलोवाट आर इज द बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज किलोवाट आर एंड इट इज इक्वल टू 10^3 वाट आर। सो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 10^3 आर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड KWH इज ऑल्सो कॉल्ड BOT। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय BOT और ये किस चीज़ की यूनिट है। सो BOT इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर एंड इट इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। BOT की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो इसे आपको ध्यान रखना है। किस तरह से डिफाइन करोगे बी, इट इज दैट एनर्जी व्हेन अ डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो BOT क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, ये उतनी एनर्जी है जितनी कोई एक डिवाइस जो कितनी कैपेसिटी का होगा, 1 किलोवाट कैपेसिटी का, कितनी देर तक हम यूज़ करें, 1 घंटे तक यूज़ करें, तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा दैट मच एनर्जी इज़ कॉल्ड BOT और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। आई होप आपको ये यूनिट वाला फंडा समझ आ गया होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और साथ में ये चीज़ नोट कर लेना दैट 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6, ये वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज़ होती है, इंटू 10^6 जूल। तो इसे आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। पहले समझें कार्बन रजिस्टर है क्या। हमारे पास सर्किट में बहुत वाइड वैरायटी ऑफ रेंज के रेजिस्टेंसेस यूज़ किए जाते हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। तो ऐसे जो बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस हम सर्किट में यूज़ करते हैं, दोज ऑल आर कार्बन रेजिस्टेंसेस। और उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उन रेजिस्टेंसेस के ऊपर पर्टिकुलर कलर कोडिंग की होती है, उन कलर कोडिंग के बेस पे हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू इन ओम्स बता सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो जब भी आप लैब में आएंगे, आप लोगों को एक कार्बन रजिस्टर दिखाया जाएगा, लैब में हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उनकी कलर कोडिंग को पहचान के आपको ये एक्टिविटी भी दी जाती है कि आप इस कार्बन रजिस्टेंस का रजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, इसका रजिस्टेंस कितना है। तो इसे हम कलर कोड को देख के कैसे पहचानते हैं ये यहाँ पे सीखें। कुछ इस तरह का एक कार्बन रजिस्टर होता है, इस तरह का आप कार्बन रजिस्टर देखेंगे जिसमें 4 बैंड या इस तरह की 4 पट्टियाँ लगी होती हैं जिनको हमने नाम दिया है A, B, C and D। हो सकता है कहीं कहीं पर 3 ही हों, तो आपके पास A, B, C 3 तो होंगी ही होंगी, D हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस तरह की हमें एक कार्बन रजिस्टर मिलेगा जिसमें जो पहली 2 पट्टियाँ होंगी, पहले 2 बैंड हैं A and B, दिस A and B इंडिकेट फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे इसका, एक न्यूमेरिकल वहाँ से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उन बातों पे ध्यान दें, जो पहला बैंड है दैट इज़ बैंड A एंड सेकंड बैंड दैट इज़ बैंड B, दीज 2 कलर्स विल इंडिकेट द
दिस टू कलर विल इंडिकेट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम. द थर्ड इज थर्ड बैंड दैट वी हैव नेम्ड हेयर सी, दैट बैंड सी और दैट कलर सी, जो भी यहाँ पे कलर दिया होगा, दैट कलर सी इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर, कि हम उस रेजिस्टेंस के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे. बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत आसान है और यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता ही बनता है. नेक्स्ट इज डी. डी इंडिकेट्स टॉलरेंस, जो डी भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है हमारे पास क्वेश्चन में किस तरह का रेजिस्टेंस हमें दिया है. सो कैसे याद रखना है कि इन पे कलर कोडिंग क्या क्या दी होगी और किस कलर कोडिंग के लिए हम क्या सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करेंगे, कैसे याद रखना है. एक सिंपल हमारे पास एक हमने एक मेथड बनाया है, दैट इज़ बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, जिनका आपको जो भी मैंने चीज़ें बोली इनका आपको फर्स्ट लेटर ध्यान रखना है. जैसे बी बी रॉय का आर आपको ध्यान रखना है, बी बी रॉय ग्रेट का जी याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ. कलर कोड को किस तरह से याद रखना है, बहुत सिंपल ये लाइन आपको याद रखनी है, दैट इज बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ. बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो ये आपको एक लाइन है जो ध्यान रखनी है, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ. इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ. दिस बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, नेक्स्ट बी स्टैंड्स फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन. इसका आपको फर्स्ट लेटर देखना है, दैट इज़ जी. सो जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे एंड नेक्स्ट डब्ल्यू फॉर वाइट. फिगर्स आपको स्टार्ट करनी है जीरो से, जीरो वन, रेड के लिए टू, ऑरेंज के लिए थ्री, येलो के लिए फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन. मल्टीप्लायर जीरो है तो टेन रेज़ टू पावर जीरो, वन है तो टेन रेज़ टू पावर वन, टू है तो टेन रेज़ टू पावर टू एंड सो ऑन. टेबल प्रिपेयर करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ. कलर इस डी बैंड के लिए हमारे पास सिर्फ तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हो सकता है गोल्ड हो कलर दिया हुआ, अगर गोल्ड है तो टॉलरेंस इज 5%, या सिल्वर होगा, सिल्वर के लिए टॉलरेंस इज 10%, कोई कलर नहीं दिया है दैट इज़ नो कलर, टॉलरेंस इज 20%. तो स्टार्टिंग के जो तीन बैंड होंगे ए बी सी, इनमें से कोई कलर होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है. डी के लिए इनमें से कोई एक चीज़ होगी, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या कोई भी कलर नहीं होगा. एक न्यूमेरिकल से देखते हैं किस तरह से हम किसी कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो हमें क्वेश्चन में दिया है तीन बैंड, ब्राउन ग्रीन एंड ऑरेंज. ए बैंड का कलर हमें दिया है ब्राउन, बी का हमें दिया है ग्रीन, एंड थर्ड का दिया है ऑरेंज, एंड फोर्थ का दिया है हमें सिल्वर. फाइंड नेट रेजिस्टेंस. किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखें बैंड नंबर वन, बैंड नंबर ए, कलर क्या है ब्राउन, ब्राउन के कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर क्या है वन, तो यहाँ पे हमने लिखा वन. बी बैंड का कलर गिवन है ग्रीन, ग्रीन के कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर इज फाइव, सो वन फाइव. अब हमें क्या करना है, सी क्या इंडिकेट करता है, डेसिमल मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे लगाना है मल्टीप्लाई का साइन. नेक्स्ट कलर इज ऑरेंज, ऑरेंज के कॉरिस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर इज टेन रेज टू पावर थ्री, टेन रेज टू पावर थ्री. साथ में आपको लिखना है प्लस माइनस, प्लस माइनस, इसके साथ ओम लिख लें यहाँ पे पहले, प्लस माइनस, दैट इज़
सिल्वर के लिए टॉलरेंस इज 10%। तो चाहे तो आप इसे ऐसे ही रहने दें या सॉल्व करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आंसर, सो दिस इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टर हैविंग कलर ब्राउन ग्रीन ऑरेंज एंड सिल्वर। तो ऐसा आपको कोई भी कॉम्बिनेशन वो बना के दे सकता है, आपको बोलेगा नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो बहुत आसान है ये टेबल, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, आगे कार्ड आप खुद बना सकते हैं, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज लिखें, या आपको उल्टा न्यूमेरिकल भी दे सकता है। हो सकता है आपको वो क्वेश्चन में ये दे और बोले इसमें से फाइंड आउट करें कार्बन रेजिस्टेंस के कलर कोड क्या क्या होगा। तो कैसे देखेंगे, पहली डिजिट से वन किसके कॉरिस्पॉन्डिंग है, ब्राउन, तो पहला कलर क्या होगा, ब्राउन। फाइव, फाइव के कॉरिस्पॉन्डिंग कलर इज़ ग्रीन, तो नेक्स्ट कलर होगा ग्रीन। 10^3 किसके लिए है, ऑरेंज के लिए, थर्ड कलर विल बी ऑरेंज। एंड टॉलरेंस 10% किसके लिए है, सिल्वर। तो जो हमारे पास कार्बन रेजिस्टेंस होगा उसके ये कलर कोड होंगे। तो उल्टा भी पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है, आपको ये टेबल ध्यान होना चाहिए ओनली। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बचा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे मैं एक अलग लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर करना चाहता हूँ, जिसके साथ हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। और रही बात इसके न्यूमेरिकल्स की, तो आप घर पे खुद प्रैक्टिस करें, इनमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, सीधे सीधे हैं, कोई दिक्कत आती है तो पूछें। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में टाइम बचेगा तो हम इस वाले पार्ट के कुछ और थोड़ा सा, अगर लेवल इनका बनता है क्वेश्चंस का, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हम लास्ट वाले लेक्चर में इस चैप्टर के ले लेंगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे विद रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल। अच्छे से पढ़ते रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।